तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट मतलब जो टॉपिक मेरा मेन है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट अब जैसे नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है जैसे नेचर का मतलब क्या है किस तरह का रूट है रूट रियल है कि रियल रूट नहीं है या इक्वल एंड रियल रूट है तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज नेचर का मतलब ये हुआ ठीक है तो यहां से हम बात करते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक भीजन लेट एक्स स्क्स बी एक्स सी इक्वल टू जीरोड ए टू जीरो है ठीक है तो वहां पे हमने एक बात पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स में थर्ड मेथड हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था हमारा सिद्धराचार्य मेथड तो उसको फॉर्मूला मेथड भी बोलते थे फार्मूला मेथड में क्या करते हैं एक फार्मूला होता था जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे क्या वैल्यू था वो फॉर्मूला क्या था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन होल अपॉन टू ए तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेते थे तो एक वैल्यू आती थी नेगेटिव आती थी अदर तो वैल्यू आती थी ठीक है और यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा बच्चे कि नेक्स की नेचर नेचर पता करना ऑफ मतलब की वैल्यू के बारे में पता करना और एक्स की वैल्यू के बारे में पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क् माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू है तो यहाँ पे जो रूट वाला टर्म है रूट वाला टर्म दिस इज गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द एक्स कैसे क्योंकि बच्चे ये तो बी और ए तो फिक्स है आपको रूट में नेगेटिव दे रखा है रूट के अंदर की पॉजिटिव दे रखा है कि जीरो दे रखा है, the, ठीक है ना और एक्स की वैल्यू रूट वाले और क्या है D से करते हैं, कुछ कुछ बुक्स में डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो डी इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ना एक्स की वैल्यू मतलब की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो यहाँ पे वही चीज है नेचर ऑफ रूट नेचर ऑफ कॉड्रा नेचर ऑफ रूट में नेचर ऑफ कॉड्राटिक्लस बी एक्स सी नेचर ऑफ रूट ऑफ कॉड्राटिकाटिक इक्वेजन ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क् माइनस फोर ए सी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जैसा कि हमने पहले बात किया तो डी इज गोइंग एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू क्या मतलब नेचर ऑफ रूट क्या है ठीक है ना उस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है ठीक है तो देखिए इसमें अब देखिए बच्चे मैंने आपको ये पहले भी बताया था यहां पे भी देखिए कि जो d की वैल्यू है बच्चे देखो रूट के अंदर जो आ, आपको ये दे रखा है वो क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है यही तो तीन पॉसिबिलिटी होगी तो वही चीज हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा d इक्वल टू जीरो होगा और d लेस देन जीरो होगा तो अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट क्या होते हैं रूट रियल एंड डेंटिक ठीक है ना रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे डेंटिक रूट होंगे मतलब वो रियल नंबर उसके रूट होंगे या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा अनइक्वल डिस्ट्रिक्ट मतलब अनईक्वल ठीक है सॉरी अनईक्वल ठीक है ना अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट इक्वल टू वन आ गया और एक्स इक्वल टू टू आ गया तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रियल है और डिस्टिंग है अनईक्वल है अलग अलग है तो एक तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा उसके और डी इक्वल टू जीरो होगा डीवल टू मतलब डी मतलब क्या है सी डीवल टू जीरो मतलब roots क्या होंगे रियल एंड इक्वल ठीक है ना इसका मतलब क्या हुआ एक्स की वैल्यू क्या होगी टू होगी और टू होगी एक्स की दोनों वैल्यू होगी टू और टू ठीक है ना तो ये हो गया आपका डी इक्वल टू जीरो में रूट्स आर रियल एंड इक्वल अब थर्ड कंडीशन क्या है डी लेस देन जीरो लेस मतलब रूट के अंदर वाले जो टर्म है जो रूट में टर्म है वो क्या है नो रियल रूट डी क्या है लेस देन जीरो मतलब डी नेगेटिव है ठीक है डी क्या है नेगेटिव है तो ये तीनों कंडीशन याद रखना है नेचर ऑफ रूट में डी ग्रेटर देन जीरो के रूट आर रियल एंड इंस्टिंग डीवल टू जीरो के लिए रियल एंड इक्वल डी लेस देन जीरो के लिए नो no रियल ठीक है तो इस पे क्वेश्चंस खूब आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अपने बोर्ड एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो ठीक है इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो ये बात समझ में आ गया जैसे आप ऐसा देखो ना जैसे आपको डी की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू आ गई टू तो इसका मतलब क्या हुआ आपने डीवल टू टू मतलब डी ग्रेटर जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ उसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और डिंस्टिंग हो गए डिफरेंट मतलब अलग अलग ठीक है और डी इक्वल टू जीरो आ गया तब तो उसके लिए क्या हो जाएंगे इसका मतलब रियल एंड and... और इसका मतलब क्या होगा रियल एंड इक्वल ठीक है और यहां पे डी सपोज नेगेटिव थ्री आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब डी लेस देन जीरो नो रियल रूट रियल रूट होंगे ही नहीं ठीक है तो d ग्रेटर टू टू आ गया मतलब तो तो d d d थी मतलब डी लेसो तो रूट्स क्या हो गए नो रियल रूट्स ठीक है ये चीज हमें कंडीशन याद होना चाहिए चलो इस पर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कैसे डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट

तो यहां से आपको डी क्या मिल गया बच्चों डी इक्वल टू आपको मिल गया वन और इक्वल टू वन मिल गया मतलब D greater than zero मिल गया और D greater than zero मिल गया। क्या कहेंगे आप roots are real and density, या ठीक है मतलब बात समझ में आए और देखो कैसे वो हुआ, हुआ? यहाँ पे देख भी सकते हो उसको अगर सिंप्लीफाई कर दो आप इसको फैक्टराइज कर दो या जो भी मेथड लगाओ तीनों में से इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे करते हैं देखिए बहुत अच्छे से आपको पता है थर्टी एक्स स्क् दो पार्ट में ब्रेक करना है आया तो क्या हो गया सिक्स एक्स यहाँ पे लिख लीजिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री एक्स कॉमन लेते हैं एक्स प्लस क्या हो जाएगा टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव एक्स प्लस क्या हो जाएगा टू ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव और यहाँ पे एक्स प्लस टू ठीक है तो कहने का मतलब मेरे ये है कि आपको रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट से नेचर ऑफ रूट बता दोगे ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहां बता रहे हैं कि देखिए पे आपके roots क्या क्या है ना तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस टू और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई माइनस फाइव बाई थ्री ठीक है ना तो एक्स की दो वैल्यू मिल गई तो आपके देखो रियल है एक्स ऑफकोर्स एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री और रियल वैल्यूज है अन है डिफरेंट वैल्यूज है ये भी दिख गया आपको ठीक है ना

इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू जीरो से ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी बी की वैल्यू क्या सी की वैल्यू क्या जाएगी? 3. तो आप जानते हो डी ए सी इक्वल डी की वैल्यू क्या है 4AC 0 हो जाएगा. ठीक है ना क्योंकि डी इक्वल टू ऑफ रियल एंड आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आप करोगे तो मैं डी इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ठीक है ठीक है अब यहाँ पे बी के वैल्यू क्या है के तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री तो यह क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू के स्कोयर इक्वल टू थर्टी सिक्स अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस सिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था अब यहां पे देख लीजिए एक्सक्टर इक्वल टू फोर तो एक्स की क्या वैल्यू होगी दो वैल्यू पॉसिबल होगी जैसे मैंने आपसे हमेशा बोलता था कि बेसिक के बिना मैथमेटिक्स इनकम्लीट है ठीक है ना तो के दो वैल्यू पॉसिबल है एक तो और एक तो और जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल ठीक है रियल एंड इक्वल ठीक है बच्चों ठीक है? तो ये हो गया आपका कंडीशंस की कैसे आपको पता करना है ठीक है तो फिर मैंने ये वीडियो में आपको यही बताया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में नेचर ऑफ रूट कौन बताता है डी की वैल्यू बताती है डी की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो रूट्स रूट्स आर आर रियल रियल एंड एंड डी डी इक्वल इक्वल टू है है तो तो लेस देन तो रूट्स आर नॉट रियल ठीक है बस और डी क्यों पता करता है डीज क्यों बताता है आपको डी क्यों डिसाइड करता है वो आपको मैंने बताया के फॉर्मुले में एक्स बताता है एक्स इज रूट ना एक्स की वैल्यू ही तो रूट होती है तो एक्स इज गोइंग टू डिसाइड वेदर द रूट्स आर रियल real and uh, not real and all that okay okay thank you so much